भाइयों को नमस्कार, जोहार, बड़ों को प्रणाम, छोटे को मेरा प्यार। और एक ही एफएस ब्लॉगर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम मांडर सोसाई के ऐसे स्कूल में ले जाएंगे जहां से मैंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है, और मैं आपको जगह भी बताऊंगा, लोकेशन भी दिखाऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि पहले के स्कूल यहाँ के कैसे थे और अब कैसे हैं। तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाऊंगा। तो उससे पहले तो मैं बताना चाहूँगा इस स्कूल का विषय में। स्कूल का नाम है सोसाई हाई स्कूल। यहाँ पर अभी जो है प्लस टू बन चुका है और मैट्रिक की परीक्षा भी पास यहीं से की थी। जो अभी यहाँ पर जो सोसाई स्कूल है, मेरे पीछे बैक साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको मैं बैक कैमरा करके दिखा दूंगा जी, क्योंकि ये थोड़ा कैमरे की वजह से थोड़ा दिखाने में थोड़ा प्रॉब्लम महसूस होगी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने जो यहाँ पर पढ़ाई की थी, 8 क्लास से यहाँ पर मैंने शुरुआत की थी। बाकी जो उससे पहले की पढ़ाई मैंने मांडर स्कूल में की थी, और 8 क्लास जब मैंने यहाँ पर पढ़ी थी तो ये आपका मांडर थाना से आपको करीबन यहाँ पर 5 किलोमीटर पड़ता है सोसाई हाई स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, हाई स्कूल है, जो मांडर प्रखंड के सबसे बड़ा स्कूल है, सबसे बड़ा स्कूलों में इनकी गिनती आती है। उससे काम करके पढ़ाई किए थे, मेरे पे किसी भी इंसान पर आश्रित नहीं था। तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाना चाहूँगा, और ये भी बताना चाहूँगा कि जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और आगे तक वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे ताकि मुझे भी खुशी हो, दे पा रहा होगा। यही स्कूल है अभी यहाँ पर जो है कि इस स्कूल पे अभी दरवाजे, अभी ये स्कूल जो है पूरी तरह वीराना हो चुका है इस स्कूल को छोड़ के, और पीछे साइड ये उसके जगह में इस स्कूल को पूरी तरह तैयारी किया गया है। आप देख सकते हैं राजकीयकृत उच्च विद्यालय सोसाई, ये मांडर रांची में आता है, और इनका पिन कोड वगैरह भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और वहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर 10+2 बन के तैयार हो चुका है, और ये कई वर्ष पहले तैयार हो चुका है। अब जो कि है कि यहाँ पर लड़कियाँ भी पढ़ने आते हैं, पुरुष भी पढ़ने आते हैं, लड़के भी पढ़ने आते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए ये सब था, और यहीं पे इस स्कूल में पढ़े थे, जो कि अभी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, उसके बदले में इसको बनाया गया। तो मैंने यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए मैंने इसी क्लास से मैंने आठवां क्लास की कक्षा शुरुआत की थी। और ये बहुत ही प्यारा स्कूल है, जो मांडर प्रखंड में सबसे उच्च विद्यालय आता है सरकारी स्कूल के तौर पे। और यहाँ पे देखिए कितने सुंदर है यहाँ के पेड़, और यहाँ के आपको फील्ड जो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सभी चीज़ की सुविधा है। अब तो यहाँ पर 10+2 भी बन के तैयार हो चुका है भाई, हम 10+2 भी बन चुका है। यहाँ पर बहुत सारे लड़के लड़के यहाँ पर आते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कितने बड़ा मैदान भी है, आप देख लीजिए पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। और जी आपको यहाँ पर जो पूरी तरह टूटा फूटा जो दिख रहा होगा, ये आपका प्रिंसिपल का कक्ष हुआ करता था, जो अब की नहीं है। अब जो है इनका कक्ष, अब आपको जो दिखाई दे रहा होगा एक ताला लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, वहीं पर उनका कक्ष है। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग वाला वीडियो में। और ये बहुत ही बड़ा, मतलब ये बहुत ही बड़ा जगह है सरकारी स्कूल पे तौर पे। वहाँ पे आपको हॉस्टल भी मिलेगा, जो लड़के यहाँ पे रह के, जो बहुत दूर के हैं, यहाँ पर हॉस्टल में रह के अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। और उधर भी आपको एक हॉस्टल मिलेगा, उस साइड में भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वहाँ पर भी देखिएगा आप लोगों को हॉस्टल दिखाई दे रहा होगा। और वहाँ पर भी अभी हॉस्टल पूरा बन के तैयार है, बगल में लड़कियों का हॉस्टल भी वहाँ पर भी है। पर मैं आपको दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ को मांडर सोसाई का ब्लॉग वीडियो में दिखा चुका हूँ, मैं कहाँ से पढ़ाई की शुरुआत की थी, मैं इस स्कूल की पूरा डिटेल में आपको दे दिया हूँ। तो जो लोग मेरा वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और आगे तक वीडियो ज़रूर शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय हिंद, जय भारत।